Good morning, class 5 students. Welcome back to online class. Today we'll read a new story from our moral value book. So open your moral value book, turn to page number 61, chapter number 10. Tenali Raman waters his vegetable garden. Turn to page number 61, chapter number 10. Tenali Raman waters his vegetable garden. Okay, so through this chapter we will learn that intelligence can make us win over those people who are stronger than us and who want to harm us. Okay, so through intelligence we can use their strength for our own benefit. Okay, so good morning class 5 students, main aap sabhi ka swagat karta hu third terminal online class mein. आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक में से एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे साथ खोलेंगे मोरल वैल्यू की बुक, टर्न करेंगे पेज नंबर 61 पर, पेज नंबर 61 और चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 है तेनाली रामन वाटर्स हिज वेजिटेबल गार्डन. तेनाली रामन ने अपने सब्जी के बगान को सींचा. So, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अपना इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से हम जीत सकते हैं उन लोगों पर, जो लोग उन लोगों से जीत सकते हैं जो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, जो हमसे ज्यादा मजबूत हैं, जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, हाँ, और उन लोगों पे भी जीत सकते हैं या उन लोगों से भी जीत सकते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, सो हम अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके उनकी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब अपनी बुद्धिमता से उनकी ताकत इस्तेमाल कर हम अपने फायदे के लिए अपना काम कर सकते हैं. तो यहां पर ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो चलिए इस स्टोरी को देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन. So students, this is the story of Tenali Raman, and most of you you are already know about this story, right? So students, before we start, let's know about Tenali Raman. He was very idle and lazy in his childhood. Okay, his mother took him to Sant. The Sant told him to recite few words in praise of goddess Kali. Okay, in nearby temple. तो स्टूडेंट्स, तेनाली रामन के बारे में जब ये कहानी शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग थोड़ा तेनाली रामन के बारे में जान लें. सो तेनाली रामन जो थे वो अपने बचपन में बहुत ही लेजी टाइप के थे और हमेशा कुछ नहीं करते थे, मतलब एकदम. बाद में तो ये बहुत बुद्धिमान हो गए. तो उनकी मम्मी ने उनको एक संत महात्मा के पास में लेके गए. तो संत महात्मा ने उनको कुछ वर्ड बताए कि आप ये वर्ड्स जो है, ये मंत्र जो है, भगवान की आराधना करने के लिए आप क्या करेंगे, टेंपल में जाएंगे, उनके मंदिर में जाएंगे और वहां पर ये वर्ड्स को बोलना है कंटिन्यूअसली. तो उन्होंने बताया ऐसा. सो वंस द गॉडेस काली इज प्लीज्ड, अगर गॉडेस काली खुश हो गई, शी वुड ब्लेस हिम विथ नॉलेज, और हो सकता है कि वो इसको बुद्धि और ज्ञान से भर दे, इसको बुद्धि और ज्ञान की आशीष दे. देन ही वुड बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, और तब ये अपने जीवन में सक्सेस हो सकता है. सो द तेनाली रामन डिड एज ही वॉज टोल्ड. गॉडेस काली वॉज प्लीज्ड एंड शी अपियर्ड बिफोर हिम and told him to choose one from two balls she placed before him. अब देखिए, तेनाली रामन जो था उसको उनकी मम्मी ने बताया कि देखो ऐसे 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 बोलना है और continuously भगवान की आराधना करनी है. तो वैसे ही हुआ, वो मंदिर में गए और उन्होंने continuously आराधना की और जिस बात से वो गॉडेस काली जो थी उनकी आराधना कर रहे थे वो, तो गॉडेस काली प्रकट हुई और वो खुश हुई और उन्होंने दो कटोरे उनके सामने में रखे और फिर उन्होंने बोला कि दो कटोरों में से किसी एक कटोरे को चूज करना है, दोनों में से कोई एक को
सेलेक्ट करना है. सो कटोरे में क्या था? वन वॉज फिल्ड विथ मिल्क एंड अदर वॉज फिल्ड विथ हनी. यहां पे दो कटोरे थे और दो कटोरों में से एक में था दूध और दूसरे में था हनी, मतलब शहद. सो गॉडेस काली सेड दैट इफ ही चूज मिल्क ही वुड गेट नॉलेज एंड इफ ही चूज हनी दैट ही वुड मेक हिम रिच. तब गॉडेस काली ने बताया कि ये दो कटोरे हैं, एक्चुअली ये जो दूध वाला कटोरा है, अगर तुम दूध वाला कटोरा चूज करोगे, दूध वाला कटोरा लोगे, तो तुमको मिलेगी बुद्धि, तुमको मिलेगा ज्ञान. लेकिन अगर तुम शहद वाला कटोरा चूज करोगे तो तुमको मिलेगा पैसा, तुम अमीर हो जाओगे. बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही मिक्स्ड द हनी इन द मिल्क एंड ड्रंक इन वन गल्प. गॉडेस काली वॉज फ्यूरियस फॉर ए वाइल बट वॉज सून इम्प्रेस्ड बाय तेनाली रामन्स शार्पनेस ऑफ माइंड. She blessed him with both great knowledge and great wealth. तो तेनाली रामन को सूझा कि करे क्या भाई, अब एक कटोरा है उसको लेंगे तो सिर्फ नॉलेज आएगी, पैसे नहीं मिलेंगे, और दूसरा कटोरा चूज करते हैं तो सिर्फ पैसे मिलेंगे, नॉलेज नहीं मिलेगी. तो इन्होंने क्या किया, दोनों कटोरों को मिक्स कर दिया, मतलब दूध और शहद को मिक्स कर दिया, और उसमें से दोनों को मिला करके जब मिक्स कर दिया उसमें से एक कटोरा पी लिया एक घूंट में. तो अब जो गॉडेस काली थी उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक ही कटोरा लेना है, एक ही कटोरा पीना है, तो एक ही कटोरा ही उन्होंने पिया. लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया. अब इससे क्या हुआ, इससे गॉडेस काली, तो जो देवी काली थी वो आश्चर्यचकित हो गई, अरे इसको तो हम क्या बोले थे और ये क्या कर रहा है. लेकिन जैसे ही फिर उनको समझ में आया, वो उनकी बुद्धिमत्ता से खुश हो गई, प्रेजेंस ऑफ माइंड से खुश हो गई, और फिर उन्होंने इसको एकदम बेस्ट नॉलेज इसको दी, ज्ञान दिया, और बहुत सारा धन दिया इनको, तेनाली रामन को. व्हेन तेनाली रामन ग्रू अप ही बिकेम द फेमस कोर्स जेस्टर and poet in his court of Raja Krishnadev Rai. And the king loved him very much. The people of Vijayanagaram also respected him because he was able to solve their big and small problems. He became a very wealthy man by his presence of mind. Aur phir jab wo bade hue to phir wo कोर्ट में जस्टर बने, मतलब कोर्ट में बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने वाले व्यक्ति बन गए, और फिर पोएट बने, मतलब कवि बन गए राजा कृष्णदेव रॉय के दरबार में, और राजा उनको बहुत पसंद करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे. और उस जो गांव था विजयनगरम गांव जहां में ये रहते थे, तो विजयनगरम का जो जगह थी, विजयनगरम का जो जगह था, वहां के लोग इनको तेनाली रामन को बहुत पसंद करते थे, उनकी बहुत आदर करते थे, और तेनाली रामन उन सभी के छोटी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम है उन सभी को सॉल्व करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को ये देखते थे. और इसी तरीके से वो अपने जीवन में आगे बहुत बहुत अमीर व्यक्ति बने, अपना बुद्धिमता, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, अपनी बुद्धिमता से वो बहुत अमीर हो गए, लोग उनकी बहुत बड़ाई करने लगे, इवन दो उनको पैसे भी देने लग गए. सो ये तो थी तेनाली रामन की स्टोरी, मतलब ये तेनाली रामन के बारे में हम लोगों ने बात की. सो लेकिन अब जो मेन स्टोरी है उस पे चलते हैं हम लोग. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. मैं स्टोरी को रीड कर रहा हूं और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा जल्दी जल्दी. सो व्हाट यू विल डू, आप लोग को पूरा जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है. ओके, कुछ भी मिस नहीं करिएगा, और मैं इसमें कुछ खास चीजें नहीं दूंगा. मेरे कहने का मतलब कि मैं आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मैं आपको सेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेंड करूंगा क्वेश्चन आंसर, बाकी चीजें आपको खुद से खोजनी होगी. ठीक है, सो इट्स योर वर्क. सो चलिए शुरू करते हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, हो सके तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आप सही प्रोनाउंस कर पाए. विट एंड इंटेलिजेंस कैन मेक ए मैन सक्सेसफुल इन लाइफ. दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड ट्रू
when we mention the name of Tenali Raman. बुद्धिमता और ज्ञान ये किसी इंसान को सक्सेसफुल बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, किसी के जीवन को सफल कर सकते हैं। ये जो लाइन है बुद्धिमता और ज्ञान, ये वाली जो लाइन है ये लाइन सच है, और ये प्रूफ होती है, इस लाइन का जो साक्षात प्रमाण मिलता है तेनाली रामन के जीवन से, तेनाली रामन से। ठीक है, तेनाली रामन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ राजा कृष्णदेव रॉय ऑफ विजयनगरम। और तेनाली रामन जो थे, मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट के पोएट थे, मतलब राज दरबार के कवि थे। और वो कहां, कौन से राज दरबार? राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में। और कौन सी जगह? विजयनगरम। तो याद रखिएगा, राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय, और जगह कौन सी थी? विजयनगरम। ही वॉज वेरी बिजी एट द कोर्ट, सो ही हैड नॉट वाटर्ड हिज वेजिटेबल गार्डन सिंस मेनी डेज। वो बहुत बिजी थे, बहुत ज्यादा व्यस्त थे अपने ऑफिस के वर्क से, मतलब अपने कोर्ट के वर्क से, मतलब राज दरबार के कामों से, और उनको ये समय नहीं मिल पा रहा था कि अपने जो वेजिटेबल्स हैं, अपनी जो सब्जियां जो उन्होंने बगान में लगाई हैं, उनको पानी दे पाए। He thought he would water the plant next morning. और फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको अगले सुबह में पानी डालेंगे, इसको पटाएंगे, पानी पटाएंगे। It was getting late. और वो लेट होते जा रहा था। He went inside the house to take his food and go to sleep. अब वो अपने कमरे में गए और फिर ताकि खाना खाएं और फिर आराम से सो जाएं। That very night, two thieves made a plan to break into his house. They hope to get a lot of gold and jewelries there. तो दो जो चोर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बनाया कि तेनाली रामन के घर में डाका डालेंगे, उनके घर में घुसेंगे, और उनका ये पूरा मानना था कि तेनाली रामन के घर में बहुत सारा सोना होगा और ज्वेलरी होगी, मतलब गहने होंगे। तो इन्होंने उन गहने और उन सोने के लालच में तेनाली रामन के घर में घुसने का प्लान बनाया। They entered through the backyard and hid behind a bush. तेनाली रामन heard some rustling in the backyard. अब तेनाली रामन, ये वो लोग जो चोर थे, वो तेनाली रामन के बैकयार्ड से घुसे, मतलब पीछे पीछे के रास्ते से, या पीछे से घुसे, उनके आंगन से पीछे साइड वाले वहां से घुसे और फिर झाड़ियों में छिप गए। तेनाली रामन हेर्ड सम रस्टलिंग इन बैकयार्ड। तेनाली रामन ने कुछ सरसराहट सुनी पीछे पीछे में कि भाई कुछ कोई वहां पे घुसा है, इस टाइप की उन्होंने आवाज सुनी और उनको लगा he knew there was some thieves। और उनको ये पता चल गया कि वो कोई चोर हैं। There were some thieves. At once thought of a plan. और उसी वक्त उनके दिमाग में एक प्लान आया। He spoke loudly to his wife so that thieves may hear what he was saying. वो जोर से बोले अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ से वो जोर से बात कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि चोर जो है उनकी आवाज को सुन पाए, उनकी आवाज को सुन पाए। तब वो क्या बोलते हैं? He said, "Oh dear, I think some thieves were planning to rob us. So let us hide all our golds and valuables in the well." तब उन्होंने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मुझे लगता है कि कुछ चोर हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि हमें लूट लें। तो ऐसा करते हैं कि हमारा जो भी सोना है और जो भी कीमती सामान है उसको हम कुएं में छिपा दें। ऐसा इसने जोर जोर से बोला उन चोरों को सुनाने के लिए। तो क्यों भाई, चलो देखते हैं आगे। ये टर्न टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आफ्टर सम टाइम ही एंड हिज वाइफ ड्रैग्ड अ बिग ट्रंक फ्रॉम इनसाइड एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वेल। और कुछ देर बाद उन्होंने बड़ा सा बक्सा घसीटते हुए लेकर के आए घर के अंदर से, और उसको
अपने घर के बाहर के जो कुएं थे कुआं में गिरा दिया, डाल दिया. द थीव्स वेयर वेरी हैप्पी. दे स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द वेल एंड थ्रोइंग द वाटर इन द वेजिटेबल प्लॉट्स. अब जो चोर थे वो तो ये बात को सुन के बहुत खुश हो गए. अरे वाह, एक तो ये बेवकूफ है, ये क्या कर रहे हैं कि घर के अंदर सामान ना रख के घर के बाहर कुआं में रख रहे हैं. और कुआं तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बाहर में है, आप लोग तो घर में सो गए, हम लोग तो वहां कुंडी ताला लगाने की जरूरत भी नहीं है. बस हम लोग करना क्या है, कुआं से पानी निकाल के खत्म करना है और वो बक्सा निकाल लेना है. इन्होंने यही प्लान सोच करके चोरों ने बड़े खुश हो गए. और उन लोगों ने क्या किया, बस पानी खींच के बहाना शुरू किया कुआं का. और वो क्या कर रहे थे, पानी खींच के फेंक रहे थे वहीं पर. पानी लेके तो घर जाएंगे नहीं, वहीं फेंकेंगे. और जब वो वहां फेंक रहे थे तो वो पानी, वहां पे नालियां बनी थी, कुएं के पास में नालियां होती है ना जो लेके जाती है कहीं जगह, तो वहां पे कुएं के पास में नाली थी. जो पानी वहां गिर रहा था वो सारा बहते हुए उनके खेतों पर जा रहा था और उनकी जो वेजिटेबल्स है उनको सींच रहा था, मतलब उनकी सिंचाई हो रही थी, वो पानी पटा रहे थे एक तरीके से. द होल नाइट दे कंटिन्यू टू ड्रॉ वाटर. और पूरी रात उन्होंने पानी खींचा. उस सोने और चांदी की और गहनों के लालच में उन्होंने पूरी रात पानी खींचा और फिर वहां पर बहा दिया. और पूरी रात पानी खींचने से क्या हुआ कि सारा खेत जो था पानी से भर गया, मतलब सबकी सिंचाई हो गई. ओनली इन द मॉर्निंग दे कुड पुल द बिग ट्रंक आउट. और एक केवल सुबह में ही वो उनको वो बड़ा सा जो बक्सा था उसको निकाल पाए, क्योंकि पानी पूरी रात खींचने पर पानी तो कम हुआ. और जब सुबह होने लगी तभी उनको बड़ा वाला बक्सा निकाल पाए, वो उस तक पहुंच पाए. When they opened the trunk, they found it filled with stone. जब उन्होंने उस बक्से को खोला तो उनको क्या मिला, उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या है, पत्थर भरे हुए हैं. उनके अंदर पूरा पत्थर भरा हुआ है. They knew at once that Tenali Raman had played his clever trick. और वो तुरंत इस बात को समझ गए कि तेनाली रामन ने अपना अपना चालाकी भरा योजना बनाया था भाई, और ये ट्रिक किया था उन लोगों के ऊपर. और इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने उसका पानी, उसके उसके पूरे खेत में पानी पटा दिया. तो चोर इस बात को समझ गए. कहां गया, हाँ. देन तेनाली रामन केम आउट एंड सेड. तब तेनाली रामन सुबह में आराम से उठे और फिर बाहर आए और फिर उन्होंने बोला, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाटरिंग माई वेजिटेबल गार्डन सो वेल. तब तेनाली रामन बाहर आए और उन चोरों को देखा और फिर बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, पूरी रात भर मेरे गार्डन में पानी पटाने के लिए, इतना अच्छे से पानी पटाने के लिए. द थीव्स फेल्ट ashamed and ran away as fast as they could. और जो चोर थे वो शर्मिंदा हो गए और वो वहां से दौड़े भागे, वो इतना तेजी से भागे जितना तेजी से वो भाग सकते थे. Such was his intelligence that made him wealthy and successful. और इस तरीके के जो बुद्धिमता थी उनके पास में थी जिसकी वजह से वो वेल्थी बने और सक्सेसफुल बने, इसकी वजह से वो अमीर बने, मतलब धनी बने और सफल व्यक्ति बने. His tale are still read and admired by one and all. और उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो बातें हैं, वो आज भी पढ़ी जाती हैं, आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास फाइव में, तो आज भी पढ़ी जाती हैं उनकी कहानियां, उनकी बातें सुनी जाती हैं और एडमायर किया जाता है उन्हें सभी के द्वारा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लव दिस स्टोरी. मुझे लगता है आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, राइट? सो क्या सीखा हम लोगों ने, बुद्धिमता से हम किसी को भी हरा सकते हैं, चाहे वो हमसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो हमसे ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, और कोई हमको नुकसान भी पहुंचाना चाहता है तो हम भी हम उसको हरा सकते हैं. हम उनकी ताकत का इस्तेमाल कर उन अपने बेनिफिट के लिए उनकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वी कैन यूज देयर स्ट्रेंथ फॉर आवर ओन बेनिफिट. ओके,
So now this is for all today students. Aaj ke liye itna hi. Your homework is question number 3, fill in the blanks and match the following. Aapko question number 3, fill in the blanks karna hai aur match the following karna hai. यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज दी हुई हैं और वो क्या करते थे उनके बारे में दिया हुआ है. तो आप इसका इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना होगा, इधर नाम जो लिखा हुआ है इसको टाइप करना होगा. ये टाइप करोगे गूगल में तब जाके आपको ये मैच होगा. और अगर बहुत से नाम्स को आप जानते होंगे, जैसे बिल गेट्स हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, मैरी कॉम हो गए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, और इधर इधर वाले शायद आपको गैरी कार्स पारोव, तो इधर वाले नामों के लिए आपको सर्च करना हो सकता है. तो ये आपको खुद से सर्च करना है. ओके, ये आपके लिए होमवर्क है. सो लेट्स सी वर्ड मीनिंग. चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट इज विट. विट मतलब होता है बुद्धि या समझ. सेकंड इज इंटेलिजेंस, बुद्धिमता. रस्टलिंग मतलब सरसराहट. फोर्थ इज ड्रैगिंग, घसीटना. फिफ्थ इज अशेम्ड, लज्जित. सिक्स्थ वन इज एडमायर्ड, प्रशंसित. स्टेटमेंट कथन. एट्थ इज थीफ, चोर. बहुत इजी है. नाइन्थ इज वैल्यूबल, मूल्यवान वस्तुएं. एंड लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास. So, okay now students, this is for all today students. So, keep learning, keep studying and be safe. And one more thing, for previous video lesson, go to YouTube. अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाएं, वहां पे सर्च करें, क्या करेंगे? Little Angel Mission School. आपको सर्च करना है, Little Angel Mission School. ये सर्च करना है. और जब आप सर्च करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके के खुलेगा. देखिए इस तरीके का लोगो हुआ, येलो कलर का. इस लोगो पे क्लिक करेंगे या फिर ये लिटिल एंजल मिशन स्कूल पे क्लिक करेंगे. उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे है क्लास 6 कंप्यूटर, क्लास 3 मोरल वैल्यू, क्लास 4 मोरल वैल्यू, क्लास 5 मोरल वैल्यू, क्लास 5 कंप्यूटर. इस तरीके से आपके जो भी हैं यहाँ पे, जैसे आपको मोरल वैल्यू, क्लास 5 की मोरल वैल्यू या कंप्यूटर की वीडियो देखनी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे मोरल वैल्यू या कंप्यूटर की वीडियो की लिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट से वहां पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी. आपको पुराने वीडियो लेसन यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है? और आप यहां से सर्च करें. लेकिन एक बात है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. भूले ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे.